माय नेम इज ज्योति एंड आई एम अ प्लस एजुकेटर एंड एकेडमी फॉर पेपर 2 एंड वाटर साइंस। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल डिजास्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम पर्पस से। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनामाता डिजीज के बारे में। तो भाई आपका जो मीनामाता डिजीज है ये आपका मिथाइल मरकरी की वजह से हुआ, ठीक है, मरकरी की वजह से आपका फैला। और ये मेनली आपका फर्स्ट टाइम मीनामाता सिटी जापान में 1956 में आपका डिस्कवर किया था, ठीक है। तो भाई वहाँ पे आपका जो चिस्को कॉर्पोरेशन केमिकल फैक्ट्री थी आपकी, वहाँ से आपका मिथाइल मरकरी आपका प्रोड्यूस होता था। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट था वहाँ का, जो वेस्ट वाटर था जिसके अंदर मिथाइल मरकरी था, उसको डायरेक्ट फ्लो कराया जाता था वाटर बॉडी के अंदर। अब उस वाटर बॉडी के अंदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स थे लाइक फिश वगैरह, अब वो उस वाटर से आपका एंटर कर गया एक्वेटिक एनिमल्स में लाइक फिश वगैरह में एंटर कर गया, ठीक है, जो सी फूड पे डिपेंड करते थे जो भी पॉपुलेशन, ठीक है। अब वो फिश से आपका ह्यूमन बींग में एंटर कर गया, या जिस फिश को कैट वगैरह ने कंज्यूम किया वो उसके अंदर भी एंटर कर गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका विद इन फूड चेन आपका यू कैन से आपका एंटर किया, उसने इन्फेक्ट किया ह्यूमन बींग को एंड कैट को, फिश को, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीनामाता डिजीज मेनली। तो इस मीनामाता डिजीज की वजह से, ठीक है, यू कैन से आप कन्वर्जन्स वगैरह आते थे जिस बॉडी के अंदर ये आपका मिथाइल मरकरी एंटर कर गया था, ठीक है, उनके अंदर कन्वर्जन्स की दिक्कत थी, ठीक है, मिर्गिया आना, यू कैन से दौरे पड़ना, इस तरीके की दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती थी, ठीक है। तो आपका जो मीनामाता डिजीज है जो आपका मिथाइल मरकरी की वजह से फैल रहा है, ये आपका क्या, ये आपका हाईली टॉक्सिक केमिकल्स है आपका, जो आपका सेल्फिश और फिश वगैरह में बाय एक्यूमुलेट हो गया। यू कैन से आपका बाय एक्यूमुलेशन प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा है, बाय एक्यूमुलेशन प्रोसेस की वजह से, बायो मैग्निफिकेशन प्रोसेस की वजह से ये विद इन फूड चेन या यू कैन से विद इन ह्यूमन बॉडी, विद इन अ सिंगल इंडिविजुअल बॉडी ये अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है, ओके। इसके बाद अगर ये फिश में एंटर किया, फिश में इसकी वजह से डिजीज हुआ, तो इसको बोलते हैं ड्रॉपसी फिश, ठीक है, इसको ड्रॉपसी फिश बोलते हैं अगर ये फिश में है तो, ठीक है, ड्रॉपसी फिश बोलते हैं इसको। और अगर ये कैट में है तो इसको कैट डांसिंग डिजीज या मैट कैट डिजीज बोलेंगे, ठीक है। और ह्यूमन बींग में इसको बोलते हैं मीनामाता डिजीज, ठीक है। देखो इसकी वजह से आपका जो सेरेब्रल डिसऑर्डर्स है या कन्वर्जेस है उनकी दिक्कत ज़्यादा होती है। और ये एक और चीज़, जो मरकरी है ये जो मदर है, मदर से, ठीक है, फीटस में एंटर कर, प्लेसेंट्रल बैरियर को क्रॉस करके, ठीक है, मदर से फीटस में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से मेंटली रिटार्डेड यू कैन से आपके फीटस है उनकी यू कैन से उनकी बात होती है फिर। तो ये आपका मेन, तो ये आपकी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी इन्फेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सोर्सेज के बारे में, मरकरी के सोर्सेज। तो फर्स्ट है भाई आपका कोल थर्मल पावर प्लांट, सबसे ज़्यादा आपका जो मरकरी प्रोड्यूस होता है वो आपका कोल थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस होता है, फिर आपका क्लोर एल्कली से प्रोड्यूस होता है, सेकेंड आपका सोर्स है क्लोर एल्कली, देन आपका सीमेंट मिल, देन आपका कोल माइनिंग, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं 1978 में आपका लव कैनाल, ठीक है, लव कैनाल आपका डिजास्टर भी हुआ था भाई। आपका लोकेट है नाइजीरिया फॉल्स में, ठीक है, अपस्टेट न्यूयॉर्क में, ठीक है। वाज अ नाइस लिटिल वर्किंग क्लास इंक्लूड विद हंड्रेड्स ऑफ हाउसेज एंड अ स्कूल, ठीक है। तो जो यहाँ जो डिजास्टर आपका लव कैनाल था, ठीक है, जो आपका यू कैन से न्यूयॉर्क में जो देखा गया था, ये मेनली उस जगह पे था जहाँ पे आपके हंड्रेड्स ऑफ हाउसेज और स्कूल्स थे आपके, ठीक है, वहाँ पे वर्किंग क्लास इंक्लूड था, यू कैन से वर्किंग क्लास आपका प्लेस था जहाँ पे ये डिजास्टर देखने को मिला था। तो ये किसकी वजह से था भाई, किसी यू कैन से काफ़ी साल पहले उस एरिया में लैंडफिलिंग साइट थी, ठीक है, लैंडफिल्स यू कैन से वेस्ट को डंप किया गया था, जो स्टील्स के जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं उसमें वेस्ट को डाल के उनको डंप किया गया था, लेकिन बाद में किसी कॉन्ट्रैक्टर ने उसको किसी दूसरे को सेल कर दिया था, बेच दिया था, और बाद में वहाँ पे सोसाइटी आपकी हो गई, सोसाइटी बन गई थी, वहाँ पे स्कूल्स वगैरह बना दिए गए थे, लेकिन टाइम के साथ साथ जब वो स्टील के जो कंटेनर्स हैं वो आपके करोड़ होने स्टार्ट हुए और उनसे गैस की लीकेज होनी स्टार्ट हुई, तो यू कैन से वहाँ पे जो बच्चे थे वो आपके जो लोग थे उनको सफोकेशन हुआ, फील सफोकेशन फील होने लगा, ठीक है। और यू कैन से वो वहाँ पे फिर वहाँ के जो लोग थे उनमें या ये बोल सकते हो रेस्पिरेटरी डिजीज आपके देखे गए, ठीक है। तो उस टाइम पे पता चला कि भाई ये किस वजह से है मेनली, ठीक है। तो अभी उन चीज़ों को थीट किस चीज़ से था, तो भाई लव कैनाल के बाद ये थीट हो गया कि भाई पता नहीं कितनी ऐसी जगह है जहाँ पे आपका पास्ट के टाइम पे आपका लैंडफिलिंग साइट होगी, तो सभी को तो पता नहीं लगाया जा सकता ना कि भाई कभी किस एरिया में आपका जो वेस्ट है उसको डंप किया गया होगा। तो ये सबसे बड़ा ट्रीट था, और उसको कैसे ट्रीट किया गया, जो पूरी सोसाइटी थी उसको वहाँ से यू कैन से आपका रिहैबिलिटेट कर दिया गया, उस जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे उनको बसा दिया गया था, वहाँ पे उनके लिए यू कैन से सोसाइटी बना दी गई थी,
ठीक है, तो ये था आपका 1978 में। जस्ट देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो मैं स्टोरी बता रही हूँ कैसे, वो याद करो ना करो वो कोई मैटर नहीं करता, आपको पता होना चाहिए कौन सा डिजास्टर कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था और किसकी वजह से हुआ था, जस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी आपका मेनली 1984 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था, और ये आपका 3 दिसंबर 1984 में 45 टन ऑफ डेंजरस गैस जो मिथाइल आइसोसाइनेट है उसकी लीकेज हुई थी। वहाँ पे यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन था, वहाँ पे आपके इंसेक्टिसाइड्स प्लांट से इंसेक्टिसाइड प्रिपेयर किया जाता, तो उस इंसेक्टिसाइड को प्रिपेयर करने में आपका मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का भी यूज़ हो रहा था। तो वहाँ पे कैसे आपका 3 दिसंबर 1984 में नाइट के टाइम पे, कोल्ड विंटर नाइट के टाइम पे, ठीक है, लीक वहाँ से उस गैस का लीकेज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, उस गैस के लीकेज की वजह से काफ़ी सारी डेथ भी हुई थी और अब उसका इफेक्ट आज तक देखने को मिलता है। ठीक है, उसकी वजह से यू कैन से मेंटली रिटार्डेड बच्चे पैदा होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो यू कैन से जेनेटिकल डिसऑर्डर की तरह आपका यू कैन से आपका प्रेजेंट है, आपका एग्जिस्ट करता है अभी। ठीक है, और भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद ही आपका कौन सा आया था, एक्ट आया था ईपी एक्ट, ठीक है, 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद ही आपका फोर्स में आया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चरनावल डिजास्टर, तो भाई आपका जो चरनावल डिजास्टर है ये आपका 1986 में हुआ था चरनावल न्यूक्लियर पावर स्टेशन में सोवियत यूनियन में। ठीक है, आपका वर्स्ट डिजास्टर आपका हिस्ट्री में न्यूक्लियर पावर जनरेशन से रिलेटेड। ठीक है, और बस आपको ये याद करना है ये किसकी वजह से हुआ था आपका, द चरनावल पावर स्टेशन आपका कहाँ पे सिचुएटेड आपका एट द सेटलमेंट ऑफ पिप यत आपका 10 miles नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ चरनावल और 65 miles आपका नॉर्थ ऑफ क्यू यूक्रेन में है। ये आपका जो स्टेशन है इसके अंदर 4 reactors है जिसकी कैपेसिटी है 1000 megawatt ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर यू कैन से जनरेट करने की। जो एक्सप्लोजन है आपका 26 अप्रैल 1986 को हुआ था ड्यूरिंग अ रूटीन मेंटेनेंस चेक अकॉर्डिंग टू यूनियन साइंटिफिक कमिटी ऑन द एफर्ट ऑफ एटोमिक रेडिएशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म, ये आपका शॉर्ट फॉर्म है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका डेली रूटीन चेकअप हुआ था, जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका, लेकिन आपका जो ऑपरेटर है वो प्लानिंग ऑन टेस्टिंग द इलेक्ट्रिकल सिस्टम व्हेन दे टर्न ऑफ वाइटल कंट्रोल सिस्टम गोइंग अगेंस्ट द सेफ्टी रेगुलेशंस। ठीक है, तो जो ये आपका रिएक्टर है दिस कॉज्ड द रिएक्टर टू रीच डेंजरसली अनस्टेबल एंड लो पावर लेवल्स। ठीक है, मेनली आपका जो रेगुलर बेस पे जो मेंटेनेंस वगैरह था वो आपका हो रहा था, लेकिन बाद में टेस्टिंग ऑपरेशन की वजह से, ठीक है, वहाँ की जो जो भी वहाँ पे लोग काम करते थे वो उसको टर्न ऑफ करना भूल गए। ठीक है, और इसकी वजह से आपका एक्सप्लोजन हुआ था ये। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए मेनली कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, किस सीजन की वजह से हुआ था। उसके बाद है आपका फुकुशिमा डैची न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट, ये आपका 2011 में मार्च में हुआ था। ठीक है, और मेनली कब हुआ था ये आपका, ये फ्यूकसी के बाद जापान में हुआ था, ये भी याद रखना, जापान में हुआ था आपका, नॉर्थ जापान में। ये आपका सेकंड वर्स्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट है आपका हिस्ट्री में न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था भाई, सबसे पहले आपका आया था अर्थक्वैक। ठीक है, सबसे पहले वहाँ पे 9 magnitude का अर्थक्वैक आया था, द प्लांट सफर्ड मेजर डैमेज फ्रॉम द मैग्नीट्यूड 9 earthquake। उसके बाद आपका आई सुनामी वहाँ पे। ठीक है, और सुनामी ने जब हिट किया जापान को तो वहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, यू कैन से वहाँ पे एक्सप्लोजन हो गया, वो एक्सप्लोड कर गया और उसकी वजह से वहाँ पे फायर वगैरह लग गई। तो ये था भाई आपका फुकुशिमा डैची न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये आपका 11 मार्च को हुआ था 2011 में। देन आपका फ्लोराइड के बारे में पढ़ लेते हैं कि फ्लोराइड की वजह से भी क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। देखो, फ्लोराइड की पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है टूथ इनेमल पे। यू कैन से अगर इसकी कंसंट्रेशन आपका स्टैंडर्ड से कम हो जाए तो भी ये आपके बोन्स को और यू कैन से आपके जो टीथ है उनको वीक कर देता है, और अगर इसकी कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड से इंक्रीज हो जाए तो भी वीक करता है। ठीक है, तो जनरली जो आपका हायर कंसंट्रेशन है फ्लोराइड की ड्रिंकिंग वाटर में वो आपका स्मॉलर है द लाइकलीहुड टू डेवलप डेंटल कैरीज। ठीक है, एंड हाउएवर द प्रीवेलेंस एंड सेवेरिटी ऑफ डेंटल फ्लोरोसिस विद इन द पॉपुलेशन इंक्रीजेज विद द कंसंट्रेशन फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। तो वही है, ड्रिंकिंग वाटर में कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तब भी दिक्कत करेगा, ज़्यादा हो जाएगा तब भी। ओके, तो अभी जो फ्लोराइड है उसकी वजह से बोन्स में और जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपके जब हम नीज को लेग को जब बेंड करते हैं तो उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं नोकनी सिंड्रम। ठीक है, फ्लोराइड की वजह से नोकनी सिंड्रम होता है। तो इसका जो मैक्सिमम लेवल है आपका ह्यूमन बॉडी में अडल्ट के लिए बात करें तो 1.5 ppm होता है। ठीक है, अडल्ट के लिए 1 to 1.5 ppm और इन्फेंट के लिए होता है 250 to 500 microgram per gram। ठीक है, तो अभी अकॉर्डिंग टू
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम लेवल ऑफ फ्लोराइड आपका शुड बी 1 ppm, इतना होना चाहिए आपका। तो ये आपका जो फ्लोराइड का जो यू कैन से ज़्यादातर फ्लोराइड की वजह से जो आपका डिजीज देखने को मिला था वो आपका सबसे पहले नालगोंडा, ठीक है, जो नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट था आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे जो फ्लोराइड का कंसंट्रेशन वो 10 ppm तक चला गया था, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के बोन्स काफ़ी वीक हो गई थी, टिथ काफ़ी वीक हो गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे नालगोंडा टेक्निक की हेल्प से उसको रिमूव किया गया था, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में नालगोंडा टेक्निक को यूज़ किया गया था। नालगोंडा टेक्निक आपके एक तरीके से कोएगुलेशन या फ्लोकुलेशन प्रोसेस की तरह थी, इसमें दो केमिकल्स का यूज़ किया गया, एलम और लाइम, उनकी हेल्प से फ्लोक्स बनाए गए, ठीक है, और फ्लोक्स जब सेटल डाउन हो गए तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस से उसको रिमूव कर दिया गया था। तो ये था आपकी नालगोंडा टेक्निक, ठीक है। देन हम बात करते हैं आर्सेनिक पॉल्यूशन के बारे में। तो आर्सेनिक पॉल्यूशन क्या है भाई आपका? सिम्टम्स ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग रेंज फ्रॉम हार्डनिंग ऑफ स्किन, पेनफुल सोर्स को लेजिंस, घाव हो जाते हैं, ठीक है, आपके हाथ पे, पैरों पे, ठीक है, नोड्यूल्स से बन जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये होता है आपका मेनली आपकी स्किन है वो इन्फेक्ट हो जाती है, स्वोलन लिम्स हो जाते हैं आपके, एंड लॉस ऑफ फीलिंग टू द हैंड्स एंड फिट। दे आर ऑल्सो वाइड रेंज ऑफ कैंसर लिंक टू आर्सेनिक एक्सपोजर, लंग कैंसर ज़्यादातर देखने को मिलता है आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से। डिजीज क्या होता है अभी? डिजीज होता है आपका ब्लैक फूड डिजीज ऑन पाम और नोड्यूल ऑन हैंड, ठीक है। और आपका जो आर्सेनिक है उसका जो थीप्लस वाला पार्ट है, थीप्लस आयन है, वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ज़्यादा वाटर सोल्यूबल होता है एज कम्पेयर टू आपका आर्सेनिक 5+, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। देन हम बात करते हैं सोर्सेज की, आर्सेनिक कॉन्टामिनेशन के सोर्सेज की। तो भाई नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक दोनों सोर्सेज है, नेचुरली आपका प्रेजेंट होता है आपका रॉक्स में, सॉइल्स में, वाटर में, एयर में। तो जब रॉक की वेदिंग होती है तो एयर में, वाटर में मिक्स हो जाता है आपका मेनली, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आपका आर्सेनिक यूज़ किया जाता है आपका प्रोडक्ट बनाने में, तो उनसे जो वेस्ट निकलता है उसमें भी आपका क्या होता है, उनके वेस्ट वाटर में आपका आर्सेनिक होता है, वो यू कैन से आपका जो नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक को क्या करे आपके ड्रिंकिंग वाटर में, ठीक है, ग्राउंड वाटर में, सरफेस वाटर में आर्सेनिक के अमाउंट को इंक्रीज करे, ठीक है, फूड चेन को कॉन्टामिनेट करे। ये हो गया। फिर हम बात करते हैं नाइट्रेट के बारे में। तो भी नाइट्रेट भी आपका क्या है, मोस्ट कॉमन ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेट आपका रूरल एरियाज में। और नाइट्रेट की वजह से क्या होता है, नाइट्रेट हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट करके मिथाइनोग्लोबिनीमिया बना लेता है, जिसको हम मिथाइनोग्लोबिनीमिया या ब्लू बेबी सिंड्रम भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रम या डिजीज, ओके। और इसमें क्या है भाई आपका जो नाइट्रेट है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसने हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट करके मिथाइनोग्लोबिनीमिया बना लिया। अब जब ये रिएक्ट करता है तो इसकी वजह से ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की कंजप्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, यू कैन से आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, जब नाइट्रेट हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट कर लेता है तो, विच कांट कैरी ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जिस बॉडी के अंदर नाइट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है उसके जो कलर है वो ब्लूइश कलर हो जाता है। और ये ज़्यादातर आपके जो 6 महीने से जो छोटे बच्चे हैं ना उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है, न्यूबॉर्न जो इन्फेंट होते हैं इनमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर सर्टेन टाइप के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो जो नाइट्रेट अगर बॉडी के अंदर एंटर भी कर जाते हैं तो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन जो न्यू बॉर्न इन्फेंट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर वो एंजाइम्स आपके बिल्डअप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आपके यू कैन सी आपका मिथाइनोग्लोबिनीमिया, जो हीमोग्लोबिन है वो नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट करके मिथाइनोग्लोबिनीमिया बना लेता है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो न्यूबॉर्न इन्फेंट हैव लो लेवल ऑफ दीज एंजाइम्स एंड देयर मिथाइनोग्लोबिन लेवल इज यूजुअली 1-2%, ठीक है। तो जो लिप्स है वो ब्लूइश हो जाते हैं, स्किन ब्लूइश हो जाती है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसकी वजह से बच्चों को सफोकेशन होता है और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका 6 महीने से जो छोटे बच्चे ना उन्हीं में देखने को मिलता है, ओके, क्योंकि देखो आपके एडल्ट में जो एंजाइम्स है वो कंटिन्यूली मिथाइनोग्लोबिनीमिया को हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करता रहता है, ठीक है, जिससे आप उसका कंसंट्रेशन 1% से ज़्यादा नहीं हो पाता, लेकिन न्यू बॉर्न में वो एंजाइम्स अच्छे से बिल्डअप नहीं कर पाते, ठीक है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन 1-2% तक चली जाती है, ठीक है, ये हो गया। फिर हम बात करते हैं कैडमियम। तो भाई कैडमियम आपका क्या होता है, कैडमियम आपका 2+, कैडमियम 2+ की सिमिलरिटी होती है कैल्शियम और जिंक के साथ में। और आपको पता है कैल्शियम और जिंक दोनों क्या करते हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, स्केलेटन को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपको जो कैडमियम है वो कैल्शियम के साथ में, जिंक के साथ में रिप्लेस कर जाता है, जिसकी वजह से बोन्स वीक हो जाती है। और ये बोलते हैं बोन्स इतनी वीक होती है कि जब हम छींक लेते हैं, स्निज करते हैं, तो ऐसा लगता है बोन्स आपके ब्रेक कर रही है। तो इसलिए इसके जो डिजीज का नाम हुआ है इताई और आउच आउच या ब्रिटल बोन डिजीज, ठीक है। और मेन सोर्स है आपकी जो आपकी निकल कैडमियम बैटरीज जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैडमियम प्रोड्यूस होता है आपका, ठीक है। आप इसकी पॉइजनिंग किडनी डैमेज हो जाता है,
ठीक है, स्केलेटल सिस्टम में भी यू कैन से आपका दिक्कत करता है, बोन्स वीक बना देता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी करता है आपका, ठीक है, और रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी निमोनिया वगैरह हो जाता है आपका, म्यूकस फैमिली डिस्ट्रक्ट हो जाती है। तो ये आपके वेरियस सबके कैडमियम पॉइजनिंग के बारे में क्या क्या इफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। देन आपका क्रोमियम के बारे में, तो जो क्रोमियम है भाई आपका, क्रोमियम 6+ ज़्यादा टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू आपका 4, 5 एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म, ठीक है, और ये आपका ह्यूमन कार्सिनोजेनिक है। और जो भी क्रोमियम है, ठीक है, देखो ये आपका जो 6+ है, ठीक है, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, सभी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो 3 और 6 है वो मोस्ट कॉमन है, और इसमें भी आपका जो 6+ है आपका मोस्ट टॉक्सिक है आपका स्किन, लंग्स, किडनी वगैरह के लिए कार्सिनोजेनिक है, ठीक है। और ये क्या करता है, यूज टू प्रिवेंट कोरोजन, आपका जो क्रोमियम है मेनली आपका जो स्टेनलेस स्टील वगैरह होते हैं उसमें ऐसा कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एक्सावेलेंट 6+ आपका मोस्ट टॉक्सिक है, मोस्ट सॉल्यूबल है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, इंड्यूस्ड फ्री रेडिकल फॉर्मेशन और DNA और मेम्ब्रेन डैमेज कर देता है, ठीक है। इसके अलावा जो क्रोमियम प्रोड्यूस होते हैं वो आपका जो टैनिंग इंडस्ट्रीज होती है ना, लेदर इंडस्ट्रीज, वहाँ पे क्रोमियम का यूज़ किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे आपका यूज़ किया जाता है, जो लेदर वगैरह है, ठीक है, जो एनिमल्स की स्किन से जो लेदर बनता है तो उसमें एक स्मेल आती है, लेदर में स्किन स्मेल वगैरह आती है, तो क्रोमियम का यूज़ किया जाता है स्मेल को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, और उसके अंदर यू कैन से जो लेदर है उसको ब्राइटन करने के लिए, ठीक है, शाइन करने के लिए। तो ये आपका क्रोमियम का यूज़ है, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डिजास्टर, यू कैन से जितने भी हैवी मेटल्स के डिजीज वगैरह है, तो इनको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। लाइक एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि मर्करी पॉल्यूशन आपका ह्यूमन हेल्थ के लिए हजारस है, क्यों, क्योंकि अभी तो पढ़ा ये क्या करता है, ये आपका बायोक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस करता है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन की इंक्रीज कर लेता है, मर्करी एक्यूमुलेट हो जाता है फूड चेन के अंदर, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर लेता है, तो आपका सेकेंड आंसर, ठीक है। देन हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन कि आर्सेनिक का सबसे मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म कौन सा, अभी पढ़ा 3+ आपका सबसे टॉक्सिक फॉर्म होता है, सो आपका ये आंसर। देन आपका नेक्स्ट है मोस्ट टॉक्सिक, ये वाला क्वेश्चन आपका सितंबर 2020 में भी आया था अभी, तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ मर्करी आपका मिथाइल मर्करी होता है, मिथाइल मर्करी सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म है, ठीक है। देन हम बात करते हैं आर्सेनिक कंपाउंड, तो अभी पढ़ा आर्सेनिक कंपाउंड्स की वजह से भी स्किन डिजीज हो जाते हैं, हाथ पैरों पर नोड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़, आर्सेनिक आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे, कहाँ ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट होता है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल साइड जहाँ पे यू कैन से ब्राउन राइस ग्रो कराए जाते हैं, तो ये बोलते हैं वहाँ के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए जब इरीगेशन पर्पज से ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं तो वहाँ के फार्मर के हाथों में नोड्यूल्स बन जाते हैं, पैरों में स्किन खराब हो जाती है, स्किन डिजीज हो जाती है, जिसको डर्मेटिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो आपका आर्सेनिक कंपाउंड कोज डर्मेटिसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका जो मर्करी है उसका कौन सा फॉर्म वॉलेटाइल है, तो भाई आपका जो ऑर्गेनिक फॉर्म एटॉमिक, ठीक है, ऑर्गेनिक नहीं आएगा इसका आंसर, ठीक है, आपका जो एटॉमिक फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म है यू कैन से, वो सबसे ज़्यादा आपका वॉलेटाइल होता है, ठीक है, इसका आंसर आएगा एटॉमिक, एलिमेंटल स्टेज, एलिमेंटल, ठीक है, एलिमेंटल या यू कैन से एटॉमिक स्टेज आपकी सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। टॉक्सिक अगर होता ना तो ऑर्गेनिक लगाते, ठीक है, आपका जो मिथाइल मर्करी है यू कैन से आपका मर्करी का जो ऑर्गेनिक फॉर्म है वो सबसे, ठीक है, ऑर्गेनिक फॉर्म सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, लेकिन आपका वॉलेटाइल की अगर हम बात करें तो मर्करी आपका एटॉमिक या एलिमेंटल स्टेट में आपका यू कैन से वॉलेटाइल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर सी आएगा भाई, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो चलिए भाई अभी हम करते क्लास को एंड अप, आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, ठीक है, अगर हेल्पफुल हुआ हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। और मैं आपको अभी अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे मैथन क्लासेस करा रही हूँ, ठीक है, डेली एक यूनिट को कंप्लीट करती हूँ वहाँ पे, तो आप मेरे को अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको जो भी क्लासेस होती है यूट्यूब पे या आपका इन अकेडमी पे फ्री प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, सभी का लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। चलिए गाइस अभी हम करते क्लास को एंड, ओके बाय, टेक केयर।